बॉलीवुड में आजकल प्रोडक्शन हाउसेस ऐसे खोल रहे हैं जैसे भजिया और वड़ा पाव के स्टार्स, और इन प्रोडक्शन हाउसेस को चलाने वाले वो लोग हैं जिनके खुद के ही बॉलीवुड रिपोर्ट कार्ड्स पर रेड मार्क्स छाया हुआ है, मतलब नो हिट ओनली फेल फेल फेल। और ऐसे ही दो लोग हैं दिया मिर्जा और जायद खान। Well, दिया मिर्जा को जहां आप टूथपेस्ट की एड्स का एक सूटेबल कैंडिडेट मानेंगे, वहीं जायद खान वो है जो अपने भैया की तरह पापा का नाम पूरा मिट्टी में मिला रहे हैं। मैं हूँ नाम है लक्ष्मण प्रसाद उर्फ लकी, मैंने जायद का यही है क्लेम टू फेम। और सच तो ये है कि बाप दादों का बॉलीवुड ही है जो इन्हें अभी तक झेल रहा है, वरना जायद और ब्यूटी पेजेंट वाली दिया की फ्लॉप्स की लिस्ट इतनी लंबी हो चुकी है कि इन्हें अंग्रेजों के जमाने में सजाए काला पानी की पनिशमेंट तो जरूर मिल जाती। खैर, अब जब इन्हें वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए तब इन दोनों लाल पीलों ने एक हरी भरी थर्ड पार्टी चुनी है अपने दिमाग के नए क्रेज को फुलफिल करने के लिए, एंड दैट इज टू बिकम प्रोड्यूसर्स। और इस थर्ड पार्टी का नाम है साहिल सिंघा। इस थर्ड पार्टी के साथ इन द थ्री स्टूजेस ने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा है बॉर्न फ्री, और मिस्टर सिंघा के डायरेक्शन में बनी है एक फिल्म जिसका नाम है लव ब्रेकअप्स एंड जिंदगी। खैर, इस फिल्म का जो हाल हुआ है आप तो जानते ही हैं। पर दिया का मानना है कि जायद के रहने से इन तीनों को काफी हेल्प मिली है, आफ्टर ऑल सिर्फ जायद ही हैं जिनका फिल्मी बैकग्राउंड है, एंड ही इज द फिल्मीएस्ट ऑफ देम ऑल। हो हो भाई, अगर जायद सबसे फिल्मी है तो इनकी एडवाइस पे भरोसा करना अंधे कुएं से काला मेंढक निकालने वाली बात हो गई। तो जी, इन तीनों के इस गलत धंधे में उतरने के लिए थ्री चीयर्स। मगर किसी महापुरुष ने सही कहा है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, सो हम चीयर्स की जगह देंगे थ्री चीयर्स। दिया, जायद एंड साहिल एट नंबर 10।